चलिए बेटा, आपने इस वीडियो में पढ़ा है एल आर सर्किट, ठीक है। जब आपका कॉइल और रेजिस्टेंस सीरीज फॉर्म में एसी सर्किट से आपने कनेक्ट किया है, ठीक है, तो ओम्स लॉ से आपको क्या मालूम है, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। लेकिन जब कॉइल के उसमें आप ले रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कॉइल, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अपन लिखते हैं ओम्स लॉ से वी इक्वल्स टू आई आर, तो आप कॉइल के उसमें क्या लिख रहे हैं, वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल, ठीक है, कि कॉइल के दो सिरों के बीच का विभवांतर वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस, यदि आप रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं तो प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या लिख रहे हैं, वी आर इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपका, वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल और वी आर इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ से आपको ओम्स लॉ मालूम है ना, वी इक्वल्स टू आई आर, उसी के जैसा अरेंज आपने किया है कि यदि आप कॉइल का यूज़ कर रहे हैं तो वी एल से अपन शो कर रहे हैं, वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल। अपन ने निकाला था उसका रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस निकाला है कॉइल के लिए एक्स एल और वी आर इक्वल्स टू आई आर। अब आपको दोनों केस मालूम है ना, इंडक्टेंस के केस में और रेजिस्टेंस, जब आपके इसमें कॉइल लगाओ और प्रतिरोध लगाओ, दोनों का केस आपको मालूम है कि यदि आपके पास रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है तो आपको क्या मालूम है कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या रहेंगे, सेम फेस में रहते हैं। और जब आप कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये मालूम है कि वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है किससे, करेंट से, ठीक है। तो वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इन दोनों ग्राफ को लेके आपने यहाँ पे एक ग्राफ शो किया है, देखिएगा। वोल्टेज के लिए जो आपका कॉइल है तो वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो आपने अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर शो किया है। और रेजिस्टेंस के केस में आपको मालूम है कि वोल्टेज और करेंट क्या है, सेम फेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वी आर शो किया है, रिजल्टेंट वोल्टेज आप निकाल रहे हैं आपने वी से शो किया है, ठीक है। एंगल आपका फाई है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, कर्ण लंब और आधार। तो आपको क्या मालूम है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप क्या लिख पा रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब आपके पास सिंपल है पर फिर भी आपको यहाँ पे अटेंशन देना है कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एल की वैल्यू आपने पुट कर दिया है, आई एक्स एल का स्क्वायर प्लस वी आर क्या है, आई आर का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्म आपने बाहर निकाला है, आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आपने v अपॉन i का रेशियो बना दिया है, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। v अपॉन i क्या बन जाएगा, v अपॉन i क्या होता है, r होता है। लेकिन इस केस में जबकि आपके पास दो हैं कॉइल और रेजिस्टेंस का आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इम्पिडेंस, जिसको आपने कैसे डिनोट किया है, जेड से, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एंगल फॉर्म करना है, ठीक है। एंगल आपको यहाँ पे एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, तो टेन फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा वी एल, वी एल अपॉन वी आर, वी एल की वैल्यू क्या है, आई एक्स एल, वी आर की वैल्यू क्या है, आई आर, कैंसिल हुआ, एक्स एल अपॉन आर। तो फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। करेंट का इक्वेशन आप दे सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपको मालूम है कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और करेंट आपका किसके फॉर्म में, लेग के फॉर्म में, लेगिंग के फॉर्म में पीछे चल रहा है, पश्चगामी है। तो आई इक्वल्स टू आप क्या लिख रहे हैं, आई नॉट साइन, कितने एंगल से, फाइव एंगल से। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस फाइव, ठीक है। इस तरह से जब आपके ग्रुपिंग स्टार्ट होता है तब आपको यहाँ पे चार से पांच पॉइंट आपको यहाँ पे निकालना रहते हैं। फर्स्ट आता है आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, उसके बाद आता है आपका इम्पीडेंस, उसके बाद एंगल और फिर करेंट इक्वेशन, ठीक है। इतना आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर उसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट ग्रुपिंग पढ़ेंगे।